वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूं सुहान, आप रहे हैं दी स्लॉप पॉइंट, स्लॉप पॉइंट, और आप देख रहे हैं स्लॉप पॉइंट। हां जी हां जी हां जी, मैंने बदल दिया है नाम अपने चैनल का। तो पता है क्या यार, मेरे चैनल का नाम डी टॉक्सिन पूरे गूगल पे नहीं मिल रहा यार। कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। क्या करूं, एक काम करते हैं, चैनल का नाम बदलते हैं और ऐसा चैनल का नाम रखेंगे जो पूरे YouTube क्या पूरी दुनिया में नाम ले। तो चलें क्या? तो ये थी मेरी स्टोरी कि मैंने चैनल क्यों बदला। अब आप सबको पता लग गया होगा। और ये चैनल का नाम मुझे कहाँ से मिला वो मैं नहीं बताऊंगा, वो एक सीक्रेट है, क्योंकि मैं एक और बिट्रेयर पाल नहीं सकता अपने दिमाग में, ठीक है। इसलिए क्योंकि टेक्निकल गुरुजी ने मुझे धोखा दिया और टेक्निकल स्काय ने भी। मम्मी बी कॉल आ रहा है यार किसी का, वेट। हेलो, हाँ जी कौन बोल रहा है? न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल वालों को कॉल है इसलिए। हाँ जी सर, न्यूज़ चैनल, यस सर, क्या हुआ? मुझे कोई प्रमोशन दे रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं हम तो मैं नहीं तुम्हारा प्रमोशन हम कर रहे हैं अपने चैनल पे। क्यों सर, क्यों सर, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो प्रमोशन मिलने लग गया मेरे को? तुमने अपने चैनल का नाम बदला है इसलिए प्रमोशन करते हैं। ये बात इतनी सी बात उधर तक पहुंच गई, न्यूज वाले चैनल तक पहुंच गई, मतलब कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। ऐसा लगता नहीं यार, ऐसा लगता नहीं यार, रोड से करोड़ तक की है ये जिंदगी। डांस जमा ना हो तो डिसलाइक मत करना। अच्छा तो न्यूज़ चैनल को वाले पास चले क्या? चलो चलते हैं। आज की सबसे बड़ी न्यूज, डी टॉक्सिन ने अपने चैनल का नाम बदल दिया। डी टॉक्सिन ने अपने चैनल का नाम बदल दिया है और नाम रखा है स्लॉप पॉइंट। और उन्होंने यह भी ऐलान किया है, देखिए ना, मैं ये ऐलान करता हूँ अपने चैनल के नाम बदलने के साथ, मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं एडिटिंग भी करूँगा। आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा, क्या एडिटेड वीडियोस आएंगी, क्या ये सब होगा, जितने बड़े बड़े वादे वो कर रहे हैं क्या वो कर पाएंगे ये सब पता नहीं, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं हुआ तो मतलब ये चैनल फेक है। नहीं, एक्टिंग जमी ना हो तो प्लीज डिसलाइक मत करना। अच्छा तो और उसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है, गाइस मैं अपना एक कॉलर माइक भी लूंगा, अपने स्टूडियो बनाऊंगा। देखिए उन्होंने क्या कहा, क्या कहा है, क्या ये सब कर पाएंगे, क्या ये हो पाएगा, ये तो देखना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा। तो बैक टू स्लैप पॉइंट यार, एक्टिंग जमी ना हो तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना, मैं बेनती करता हूँ डिसलाइक मत करना, क्योंकि पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ यार, अब तो करियर में यही है ना। अरे मम्मी नहीं, करियर में और कुछ भी करूँगा मम्मी, करूँगा मैं, मम्मी ने सुन लिया कि करियर में और कुछ भी करूँगा मम्मी। वैसे मेरा
मैं एक चीज़ का आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। मेरे पे मेल आई थी एक बंदे की, उसका नाम था सौरव, सौरव से कुछ था। उसने पूछा था मेरे से, आपका ड्रीम क्या है कि आप क्या बनोगे, एम क्या है आपका? तो मेरा एम है कि एक एस्ट्रोनॉमर बनूँ। ये तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, अभी 6th क्लास में हूँ, 10th क्लास तक छोड़ दूँगा। मेरा ड्रीम है कि एक एस्ट्रोनॉमर बनूँ, क्योंकि मुझे स्पेस की गहराइयों में जाना है। सब सोच रहे हैं हमारा ही सब है कि हम जीवित हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मैं बता दूँ। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पसंद आया हो सैलान को परेशान मत करना प्लीज़, और चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय गाइस।